नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बैद्यनाथ कंपनी के जुकाम और सीरप से रिलेटेड, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या इसकी MRP है, कौन से बीमारी में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या आपको इसमें परहेज रखना है। तो इससे जुड़ी हर जानकारी आज की इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखें और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन है उसको प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो बैद्यनाथ कंपनी जुकाम और सिरप किस लिए बनाया गया, कौन सी बीमारी में इसका यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों खासतौर पे यूज़ किया जाता है कफ डिजीज़ के लिए, कोल्ड डिजीज़ के लिए, साइनसाइटिस प्रॉब्लम के लिए। अगर किसी पेशेंट को दोस्तों छींकें आ रही हैं, स्नीजिंग प्रॉब्लम देखी जा रही है, या उसको रनी नोज जैसे देखा जा रहा है, नाक से पानी बह रहा है, जुकाम हो गया, खांसी हो गई है, साथ ही उसको दोस्तों बुखार भी देखा जा रहा है, और दोस्तों उसको फ्लू जैसे देखा जा रहा है, तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी बीमार दोस्तों ये सीरप यूज़ की जाती है। तो सीरप की दोस्तों क्या MRP है, तो याद है दोस्तों 70 रुपीज़ की, जो कि 100 ml इसकी बोतल आती है। गाइस जो कि आपके नज़दीकी आयुर्वेदिक फार्मेसी वहाँ से इसको ले सकते हैं। सीरप को दोस्तों कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों जो कि एडल्ट है तो एडल्ट के लिए 10 ml सीरप यूज़ करें, 10 ml वाटर यूज़ करें और इसको रात में लें। और दोस्तों अगर बच्चों में समस्या देखे तो उनके दोस्तों 5 ml सीरप यूज़ करें, 5 ml वाटर यूज़ करें और उनको दोस्तों रात में ले सकते हैं। और इसमें आपको क्या परहेज रखना है, तो दोस्तों इसमें आपको जो है राइस अवॉइड करना है, क्यूकम्बर अवॉइड करना है, कोल्ड वाटर अवॉइड करना है, कर्ड अवॉइड करना है, जितना हो सके दोस्तों ठंडी से बिल्कुल भी नहीं खानी है, और दोस्तों जितना हो सके गर्म पानी का सेवन करें। ये चीज़ दोस्तों आप जरूर फॉलो करें, तभी दोस्तों आपकी समस्या ठीक हो पाएगी। ये सीरप दोस्तों थ्रोट इन्फेक्शन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए। अगर किसी के दोस्तों जैसे बात करूँ चेस्ट में कफ चिपका हुआ, फिर गले में खराश बनी रहती, गले में सूजन आई हुई है, उसमें दोस्तों संक्रमण लग चुका है, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये सीरप है, उसमें यूज़ कर सकते हैं जो कि आयुर्वेदिक है। दोस्तों मैंने सीरप की अब सभी कंप्लीट नॉलेज दे दी है। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल आइकन बटन से प्रेस जरूर करें। सो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी से दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो दोस्तों हम यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।